एंड दैट टू मैंने बजाज फाइनेंस का जो कार्ड है 5500 के इंस्टॉलमेंट पे मैंने लिया है, 6 मुझे इंस्टॉलमेंट भरने हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर दीपक मिश्रा एंड आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम फीलिंग लाइक अ किड टुडे। एक्चुअली जब भी कोई ऐसा कोई नया गैजेट आने वाला होता है या कोई आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक और कार, तो उस दिन मेरा ये हाल होता है। और आज सुबह से मुझे मैसेज आ गया है कि जो मेरा ड्रोन है उसकी डिलीवरी होने वाली है। सो राइट नाउ आई एम इन माई क्लिनिक एंड वेटिंग फॉर द कुरियर बॉय। मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया था कि थोड़ा जल्दी आने वाला है, सैटरडे आने वाला था ये ड्रोन, बट आज ही आने वाला है। आज थर्सडे है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एंड आप लोग मेरी चैनल देखते होंगे डॉक्टर राइडर, डॉक्टर राइडर। सो दिस इज़ माई डेंटल क्लिनिक एंड जैसे ही मेरे पास ड्रोन आता है मैं उसका अनबॉक्सिंग करूँगा। एक OTP आया था, फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ हुआ है। अमेजोन से मैंने कुछ ऑर्डर किया है एंड एक OTP आया है जो मुझे जो कुरियर बॉय है उसको बताना है एंड देन ही विल डिलीवर दैट ड्रोन टू मी। सो अगर उस टाइम पे अगर मैं डिलीवरी लेने गया तो मैं आपको बताऊंगा मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड OTP वो किस में डालता है, क्या करता है, वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो विल चेक आउट दैट थिंग ऑल्सो। दोपहर के 3 बज रहे हैं यार, अभी तक नहीं आया। पार्सल से थैंक यू ना। सो गाइज फाइनली आई हैव द ड्रोन एंड सीरियसली गाइज आई वाज सो एक्साइटेड। एक्चुअली ये दूसरी बार है मेरा, मैंने दूसरी बार ये ड्रोन खरीदा है, बट पहली बार का जो मेरा ड्रोन था वो पानी में डूब गया था। मैं स्पोर्ट मोड पे उसको फ्लाई कर रहा था एंड यू नो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था वो मेरा, बिकॉज आई वॉज अ न्यू बी। मैं थर्ड टाइम उसको फ्लाई कर रहा था एंड स्पोर्ट मोड पे डाल दिया था। पानी का जो सेंसर होता है इसमें थोड़े कम सेंसर दिए हुए हैं, जो इनके फ्लैगशिप ड्रोन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम ड्रोन होते हैं। तो मैंने देखा था कि वो लोग क्या सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं, पानी के नज़दीक से लेके जाते हैं। और मेरी बेटी है, मेरी वाइफ वहाँ पे खड़े थे, तो मैंने वो पानी के नज़दीक वाला जो शॉट होता है वो ट्राई किया था एंड आई फेल्ड, वी बोथ फेल्ड। मेरा ड्रोन पानी में गिर गया था एंड वो जो लेक है बहुत बड़ा लेक है, तो मैंने वो मतलब वो तो कोई जाएगा नहीं कभी भी, और वो मिला ही नहीं मुझे। सो दूसरी बार मैंने ये ड्रोन क्यों खरीदा, बिकॉज ये जो ड्रोन है वो 249 ऑफ ग्राम का है। सो ये नैनो कैटेगरी में आता है और इंडिया में जो DGCA है उन्होंने बताया है कि भाई आप 249 जो 250 के नीचे वाले जो ड्रोन से आप फ्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, नॉट कहीं पे भी, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं वहां पे आपको फ्लाई नहीं करना है, और बाकी सब एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वहां पे आप उसको फ्लाई कर सकते हो बिलो द हाइट ऑफ 50 फिट। तो 50 फिट बहुत काफ़ी होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो वो जो बर्ड आई का जो व्यू होता है ना वो लेने के लिए मैंने ये ड्रोन लिया है फॉर माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो इसीलिए मैंने ये दूसरी बार ड्रोन परचेज किया है। और दूसरी बात बता दूं कि मैंने ये जो ड्रोन है वो इंस्टॉलमेंट पे लिया है एंड जीरो इसमें इंटरेस्ट जा रहा था, मैंने सोचा कि वही ले लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट देना नहीं है तो फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट से ही लेते हैं। सो बजाज फाइनेंस का मेरे पास एक कार्ड था, उससे मैंने ये ड्रोन परचेस किया हुआ है। अगर आप लोगों को भी अगर ये ड्रोन लेना है तो आप ले सकते हो। अभी बहुत अच्छी ऑफर चल रही है अमेजोन पे, काफ़ी टाइम से ये काफ़ी बहुत महंगा था, बट अभी मैं जो जो सेलर इसको सेल कर रहा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बजाज फाइनेंस का मेरे पास एक कार्ड था, उससे मैंने लिया है, 0% इंटरेस्ट पे मैं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। एंड कोरोना चल रहा है तो यू नो आई एम अ डेंटिस्ट, सो मैं बहुत कम पेशेंट देखता हूँ। वी गेट स्कैर्ड बिकॉज हमें तो सीधा मुंह खोलना होता है ना, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत कम पेशेंट देखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा जो फ्लो है इनकम का वो भी कम है, इसके लिए मैंने ये जो इंस्टॉलमेंट पे लिया है। अगर आपको भी लेना है तो आप ले सकते हो, अभी बहुत अच्छा। वैसे पैकिंग तो बहुत बहुत टॉप नॉच लग रही है, बहुत अच्छा पैकिंग हुआ है। ये डिलीवरी एक्सपीरियंस है जो पैकिंग है ना, फर्स्ट टाइम, ये अमेजोन से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है बट ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा पैकिंग एंड जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो देखने को मिला है। सो फाइनली आई हैव अ ड्रोन एंड सीरियसली गाइज आई एम सो एक्साइटेड। ये मैंने सेकेंड टाइम परचेज किया है, स्टिल आई एम सो एक्साइटेड। जो DJI का जो नाम है ना वो देख के एक फीलिंग आती है कि हाँ यार असली ड्रोन है आपके पास, असली जो कैमरा है, 3-axis गिम्बल है इसके अंदर एंड 2.7K में आपको आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियोज में आपको इसके शॉर्ट्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। सो ये मैंने स्टैंड अलोन पैकेज लिया हुआ है एंड उसका कॉम्बो पैक भी आता है जो अभी इंडिया में बहुत महंगा बिक रहा है। अगर कॉम्बो पैक मुझे थोड़ा इससे 10,000 भी महंगा मिल रहा होता तो मैं ले लेता,
बट वो बहुत ज्यादा 75,000-65,000 उतने में बिक रहा है, तो मैंने स्टैंड अलोन ही लिया हुआ है। इसकी बैटरीज कुछ 5000 की आती है, तो एक्स्ट्रा बैटरीज तो हम लोग ले लेंगे। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि स्टैंड अलोन पैकेज में क्या क्या आता है, तो चलो देखते हैं। सो गाइज, अगर आप ये ड्रोन परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सील लगा हुआ है ना, ये सील हमेशा चेक करिएगा, ये सील लगा होना चाहिए। DJI का कोई भी ड्रोन लोगे तो यहाँ पे ये सील लगा होता है। सो दिस इज द ब्यूटी, ये जो है वो कैमरा है, गिम्बल वाला 3-axis गिम्बल कैमरा है, एंड आपको इसको निकाल देना है। ये ऐसे निकल जाता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल क्यूट लिटिल ड्रोन। इसके प्रोपेलर्स हैं, इसके ऊपर भी सील लगा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ से आप बैटरी निकाल सकते हो, ये रही बैटरी। सबसे पहले आपके जो ऊपर वाले विंग्स होते हैं उसको खोलना रहता है, एंड ये वाले विंग्स ऐसे खुल जाते हैं। सो फाइनली ये ड्रोन इतना बड़ा दिखता है। ये जो बैटरी है इसको यहां से प्रेस करना होता है, ये चीज को प्रेस करो एंड इट विल कम आउट। सो इतना बड़ा बैटरी है, बैटरी काफी हैवी है, बैटरी निकालने के बाद तो बिल्कुल ड्रोन हल्का हो जाता है। एंड 2400 mAh का है शायद से, ये जो बैटरी है वो 2400 mAh की है। ये जो देख रहे हैं ये और ये आपको मैच कर लेना है, एंड ऐसे आप इसको प्रेस कर दीजिए, कट्टे से आवाज़ आएगा, फिर बंद कर लीजिए। बहुत सिंपल है, और ड्रोन का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी बहुत सिंपल रहता है, वो भी आपको बताएंगे ग्राउंड में जाके। और स्टैंड अलोन पैक में क्या आता है, ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, एंड दीज आर एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, ये केबल है, और ये स्टिक्स है जो रिमोट में लगती है। ये है एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, एक्स्ट्रा विंग्स, और ये एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आता है प्रोपेलर चेंज करने के लिए। मैंने पहले ड्रोन लिया हुआ है तो मुझे पता है क्या क्या है इसमें, और ये उसका चार्जिंग केबल है। सो इतनी ही चीज़ें हैं, इसको वापस अभी पैक कर दे।